मारना चाहे मार ले, मेरा वक्त नहीं है तो नहीं मारूंगा, वक्त है तो बराबर मारूंगा। तुम क्या मार देंगे? मार देंगे। और मैं शैतानी ताकतों से कह रहा हूं जो बोले मार देंगे, एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। एक बात याद रखो, मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। तुम क्या, तुम्हारे बाप भी आ जाएंगे तो सामने ठहरूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। तुम फना हो जाओगे, हम फना नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारी नस्लें फना हो जाएंगी, हम फना नहीं होंगे। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जितना वक्त हम इस दुनिया में लिखा कर लाए उतना वक्त हमको मिलेगा, और जब वक्त खत्म हो गया तो जाना है। मेरी जिंदगी का मकसद तेरी दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने मिजाजों में एक तब्दीली पैदा करो, मिजाजों में तब्दीली पैदा करो। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। जितना वक्त हम इस दुनिया में लिखा कर लाए उतना वक्त हमको मिलेगा, और जब वक्त खत्म हो गया तो जाना है। कोई नहीं रहने वाला है यहां पर। बड़े बड़े बादशाह चले गए, उनके महलात खंडेर हो गए, कोई जानता भी नहीं उनकी खबर कहां है। बड़े बड़े जालिम आए, फना हो गए, दुनिया में बड़ा जुल्म किए, मगर जाना पड़ा दुनिया से। मगर डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश गया, मुख्तार अंसारी के घर को गया, तो उसके बाद से सोशल मीडिया पर ये तमाम के तमाम बांकड़े पहलवान शुरू हो गए, तेरे को मार देंगे पूरे के पूरे। अरे भाई, मैं अखलाक के घर को भी गया था, मैं जुनेद और नसीर के घर को भी गया था जिनको जिंदा जला दिया गया घाटमिका के। मैं उन लोगों से कहना चाह रहा हूं जो मुझे धमकियां दे रहे हैं, एक बात याद रखो, मैं जिस दीन पर चलता हूं ना, मैं उनसे मुखातिब हूं। मैं जिस दीन पर चलता हूं ना, मेरे को यह दीन ऐसा चमन में चल के नहीं मिला। मेरे को यह दीन, मेरे को बादशाह के महलों से नहीं मिला। मेरे को यह दीन मुझे नरम नरम कालीन से चलकर नहीं मिला। मेरे को यह दीन मुझे मिला तो बद्र और हुनैन से मिला। यह दीन मुझे मिला तो अहद से मिला। ये दीन अगर मुझे मिला तो करबला से मिला। इस दीन की बुनियादों में अब्बास अलमबरदार का खून है। जालिमों, तुम मुझे जानते नहीं, तुम मेरे दीन को नहीं जानते। मार देंगे, रे तू मारना चाहे मार ले, मेरा वक्त नहीं है तो नहीं मारूंगा, वक्त है तो बराबर मारूंगा। तुम क्या मार देंगे? मार देंगे। अरे जालिमों, कुरान में अल्लाह लिख रहा है कुल्लू नफ्सु जायकतुल मौत, और मैं शैतानी ताकतों से कह रहा हूं जो बोले मार देंगे, एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। एक बात याद रखो, मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। बात के हालात तुम जानो, फिर मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं, पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम क्या, तुम्हारे बाप भी आ जाएंगे तो सामने ठहरूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। मगर याद रखो, मोमिन फना नहीं होता, मोमिन फना नहीं होता। अब कैसे नहीं होता? मौत क्या है? जिंदगी और मौत एक हकीकत है ना? जिंदगी और मौत के दरमियान में खिजाब है। तो एक घर से दूसरे घर को जाएंगे आप, तो फना कैसे हुए? एक घर से दूसरे घर को जा रहे आप और हम, तो फना कहां से हुए? तुम फना हो जाओगे, हम फना नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारी नस्लें फना हो जाएंगी, हम फना नहीं होंगे। हम एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होते। मुस्तदराक एक हदीस की मशहूर किताब है। उमर बिन अब्दुल अजीज रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि आखिरत की जिंदगी की तैयारी करो, मोमिन फना नहीं होता, वो एक घर से दूसरे घर को जाता, एक घर से दूसरे घर को जाता है। तो मौत से डरना नहीं है, मगर डरना इस बात से कि मौत के बाद क्या होगा। जब खबर में जाएंगे, जब हिसाब किताब होगा,
जब पूछा जाएगा, जब तुमसे और हमसे पूछा जाएगा, और इंशाअल्लाह ताला जब हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक दिखा जाएगा, तो हम पुकार कर कहेंगे ये मेरे आका है इंशाअल्लाह, मैं इनका उम्मती हूं, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हम एक घर से दूसरे घर को मुंतकिल होते, मारना है मारो, क्या करना है करो, तुम जहर दे के मारे उन्हें शहीद हो गए, तुम जहर दे के मारे उन्हें शहीद हो गए, तुम दो फीट के से गोली मारे वो शहीद हो गए। और शहीद तो कुरान में अल्लाह बोल रहा है इनको मुर्दा मत कहो, तुम जब मरोगे तुम मुर्दा रहोगे इंशाअल्लाह, तुम जब मरोगे तुम मुर्दा होगे, मैं मुर्दा नहीं रहूंगा, मैं मोमिन हूं, घर तब्दील करूंगा। किसी एक शायर ने एक अच्छा शेर कहा था, मेरी जिंदगी का मकसद तेरी दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरी दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। किसी एक आशिक रसूल ने बड़ा अच्छा कहा मौत खबर के बारे में, कफन के बारे में, अब मैं इन जालिमों से कह रहा हूं कि पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो भला क्या निकला, पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला, फक्त एक दिल के गोशे से ख्याल मुस्तफा निकला। पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो भला क्या निकला, फक्त एक दिल के गोशे से ख्याल मुस्तफा निकला। यही होगा मेरे से भी इंशाअल्लाह, हम तमाम से ही होगा इंशाअल्लाह। तला पसे मुर्दन फरिश्तों ने तलाशी ली तो क्या निकला, फकत एक दिल के हिस्से से ख्याल मुस्तफा निकला। मेरे भाई ये हमारी पहचान है, और ये जालिम जानते नहीं, ये मुर्दा लोग हैं, ये जानते नहीं।